अगर आपके पास एक एंड्रॉयड टीवी है जिसकी इंटरनल स्टोरेज काफ़ी कम है या फिर नियरली फुल हो चुकी है और आप उसमें ऐप्स या फिर गेम्स इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम देखेंगे कि हम एक एंड्रॉयड टीवी के अंदर पेन ड्राइव को एज इंटरनल स्टोरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रोसीजर और मैं आपको बताऊँगा आपको ये यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आपको कैसे करना चाहिए और कौन सी पेन ड्राइव यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं एक फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पर हमारी इंटरनल स्टोरेज 10 GB है और यहाँ पर हमें 29 GB की पेन ड्राइव शो हो रही है और आप देख सकते हैं इसके अंदर डेटा भी है। तो चलिए हम चलते हैं डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर और यहाँ पर हम जाएंगे स्टोरेज सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज है 11 GB और जो रिमूवेबल स्टोरेज है वो है 31 GB। तो चलिए हम पेन ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज एंड फॉर्मेट एज डिवाइस स्टोरेज। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है और हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए और अब यहाँ पे ऑप्शन आने लगा है मूव डेटा टू सैनडिस्क यूएसबी ड्राइव। तो चलिए हम अपना डेटा मूव कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर जितनी एप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारी इंटरनल मेमोरी में रहेंगी और अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो एज ए इंटरनल मेमोरी ट्रीट होने लगेगी। तो अब आप जो भी एप्स इंस्टॉल करेंगे वो सारी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्स का डेटा 379 MB है और यहाँ पर और भी डेटा आ चुका है। चलिए हम कुछ एप्स ओपन करके देखते हैं। और यहाँ पर प्राइम वीडियोस प्रॉपरली ओपन हो रहा है और MX प्लेयर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी जो ऐप्स हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है उसका साइज हो चुका है 28 GB और जो हमारी पेन ड्राइव थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है और जो हमारा इंटरनल स्टोरेज है उसका नेम भी यहाँ पर सैनडिस्क यूएसबी ड्राइव हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको ये पेन ड्राइव निकालनी हो तो इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे। तो हम वापस से डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर जाके स्टोरेज की सेटिंग के अंदर जाएंगे और हम यूएसबी ड्राइव के अंदर जाके इरेज एंड फॉर्मेट एज रिमूवेबल स्टोरेज करेंगे और यहाँ पर माइग्रेट डेटा का ऑप्शन है तो हम डेटा को माइग्रेट कर देते हैं। अभी हमने कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं की थी इसलिए कोई भी ऐप बैकअप के लिए नहीं है, लेकिन मैंने इसके बाद में कुछ ऐप्स और गेम्स भी इंस्टॉल करके देखे हैं तो उन गेम्स को मूव करने के लिए बोलता है। तो इसके बाद हम इसको फॉर्मेट कर देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन आने लगा है और ये एज ए रिमूवेबल स्टोरेज आ गई है। हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज है, हालांकि उसका नाम अभी भी सैनडिस्क यूएसबी ड्राइव है लेकिन उसका जो साइज है वो भी 10 GB हो गया है और पेन ड्राइव एज ए रिमूवेबल स्टोरेज आने लगी है। दोस्तों, मैंने एक पेन ड्राइव को एज इंटरनल स्टोरेज यूज करके उसमें कुछ गेम्स इंस्टॉल किए और वो गेम्स प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए आपको एक हाई स्पीड पेन ड्राइव यूज़ करनी पड़ेगी और जिस पेन ड्राइव को मैंने यूज़ किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ले सकते हैं।